नमस्कार दोस्तों, अजब गजब फैक्ट्स के आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि क्या सच में दुनिया का अंत होने वाला है? क्या पृथ्वी के अंत का काउंटडाउन शुरू हो चुका है? क्या पृथ्वी का अंत किसी एस्टेरॉयड के पृथ्वी से टकराने से होगा, जैसा कि 29 अप्रैल को लेकर लोगों के मन में डर है, या फिर किसी महामारी की वजह से, जैसा कि एक वायरस को लेकर कहा जा रहा है? दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं है और आप कम से कम इन दोनों से तो सुरक्षित हैं। जरूरत है बस थोड़ी सी सावधानी की। ऊपर बताए गए खतरों के बारे में हम आपको विस्तार से बताएंगे, जिसके बाद आपको इन खतरों से डर नहीं लगेगा। लेकिन उससे पहले ये बात जान लें कि इंसान का जीवन और मृत्यु भगवान के हाथ में है, पर इंसान को इस धरती को अपना घर समझना चाहिए। जितना हो सके पृथ्वी को बचाने में सहयोग देना चाहिए, फिर चाहे वो पेड़ लगाने की बात हो, समुद्रों और हवा को प्रदूषण से बचाने की बात हो, या फिर पानी को संरक्षित करने की। जब जब इंसान प्रकृति का दोहन करने लग जाता है, तब तक प्रकृति इंसान को समझाने और सबक देने के लिए कुछ ना कुछ करती है। हालांकि इंसान उस पर जीत हासिल कर उस खतरे को पूरी तरह से नकार कर फिर से आगे बढ़ जाता है, पर जितना जल्दी हो सके हमें इस बात को समझना होगा और हमारी सरकारों को भी समझाना होगा कि अगर प्रकृति से छेड़छाड़ करोगे तो एक वायरस पूरी दुनिया को रोकने की क्षमता रखता है। इंसान खुद को कितना भी विकसित कर ले, लेकिन जब प्रकृति इंसान से बदला लेने की सोच लेगी तो उसे कोई भी रोक नहीं पाएगा। फिर चाहे वो सुनामी हो या फिर समय समय पर आने वाली प्राकृतिक आपदाएं हों, हमारा मकसद आपको डराना नहीं है, हमारा मकसद सिर्फ आपको जागरूक करना है। मानव सभ्यता को बचाने के लिए किस तरह से इंसान को प्रकृति को बचाना होगा और उसमें हम क्या योगदान दे सकते हैं, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कि क्या दुनिया का अंत सच में होने वाला है और वो कौन से कारण हैं जिनकी वजह से दुनिया का अंत हो सकता है। सबसे पहले बात करते हैं एस्टेरॉयड के टकराने की। एस्टेरॉयड ग्रहों की तरह सूर्य की परिक्रमा करने वाले कुछ रॉकी ऑब्जेक्ट्स होते हैं। हालांकि ये ग्रहों के मुकाबले आकार में छोटे होते हैं। जब हमारे सौर मंडल का निर्माण हुआ था, उस समय कुछ पत्थर जैसे पदार्थ जो किसी ग्रह के साथ नहीं मिल सके, वो एस्टेरॉयड्स बन गए। एस्टेरॉयड्स को हिंदी भाषा में क्षुद्र ग्रह भी कहा जाता है। सबसे ज्यादा एस्टेरॉयड्स मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच एस्टेरॉयड बेल्ट में होते हैं। बहुत से एस्टेरॉयड्स पृथ्वी पर गिरते रहते हैं या फिर पृथ्वी के पास से गुजरते हैं। ऐसा ही एक एस्टेरॉयड 29 अप्रैल 2020 को पृथ्वी के पास से गुजरने वाला है, लेकिन बहुत से लोग दावा कर रहे हैं कि ये एस्टेरॉयड पृथ्वी से टकरा सकता है, पर ऐसा नहीं होने वाला। हो सकता है इस वीडियो को आप 29 अप्रैल के बाद देख रहे हों, तो ये एस्टेरॉयड पृथ्वी के पास से गुजर चुका होगा। इसके पृथ्वी से टकराने की संभावनाओं को लेकर बहुत से दावे इंटरनेट पर किए जा रहे हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इस एस्टेरॉयड का डायमीटर 1.8 किलोमीटर से लेकर 4.1 किलोमीटर तक है। इस साल पृथ्वी के पास से गुजरने वाला ये सबसे बड़ा एस्टेरॉयड है। अगर इसका आकार 1.8 किलोमीटर भी मान लिया जाए तो ये दुनिया की सबसे लंबी बिल्डिंग बुर्ज खलीफा से दुगना आकार का होगा। इस एस्टेरॉयड का आकार बहुत बड़ा है, पर अच्छी बात यह है कि ये पृथ्वी पर नहीं गिरने वाला और ये पृथ्वी से 6.2 मिलियन किलोमीटर की दूरी से गुजरेगा। नासा के द्वारा इस एस्टेरॉयड की ट्रेजेक्टरी को क्लोजली मॉनिटर किया जा रहा है और नासा ने कन्फर्म कहा है कि इस एस्टेरॉयड के पृथ्वी से टकराने का कोई चांस नहीं है। वैसे भी इंसान ने आज इतनी तरक्की कर ली है कि इंसान किसी भी खतरनाक एस्टेरॉयड के पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने से पहले ही उसे खत्म कर सकता है। आपकी इस बारे में क्या राय है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। जो एस्टेरॉयड 29 अप्रैल को पृथ्वी के पास से गुजरने वाला है, उस एस्टेरॉयड को 1998 में ही खोज लिया गया था और इसका नाम 52768 या 1998 OR2 है।
नासा ने इसे पृथ्वी की ओर आने वाले एस्टेरॉइड्स की सूची में रखा था। यूरोन्यूज की एक रिपोर्ट के अनुसार नासा ने इसे पोटेंशियली हजार्डस एस्टेरॉइड की सूची में रखा है, जिसके बहुत से कारण हैं और ये लिस्ट एस्टेरॉइड के आकार, उसकी गति और पृथ्वी से दूरी के आधार पर बनाई गई है। इस एस्टेरॉइड से हमें कोई नुकसान इसलिए भी नहीं हो सकता क्योंकि पृथ्वी और चंद्रमा में जितनी दूरी है उससे 16 गुना अधिक दूरी से ये पृथ्वी के पास से गुजरने वाला है। पृथ्वी के अंत के बारे में बहुत से लोग इसलिए भी दावा कर रहे हैं क्योंकि इससे पहले हमारी पृथ्वी से डायनासोर्स का अंत एस्टेरॉइड के टकराने से ही हुआ था, और अगर इतना विशालकाय एस्टेरॉइड पृथ्वी से टकराता है तो इससे बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है। क्या पता किसी एस्टेरॉइड के टकराने से पूरी की पूरी मानव सभ्यता का ही विनाश हो जाए। लेकिन अच्छी बात यह है कि इस एस्टेरॉइड से दुनिया का अंत नहीं होने वाला है। अगर आप दूसरे बहुत से कारण जानना चाहते हैं जिनसे दुनिया के अंत की संभावनाएं हमेशा बनी रहती हैं, तो आप ऊपर आई बटन कर क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं। अब बात करते हैं उस दूसरे खतरे की जिससे दुनिया में बहुत ज्यादा डर है, और वो है कोरोना वायरस का खतरा। कोरोना वायरस जैसी महामारी, कोरोना वायरस को हम तो क्या पूरी दुनिया हल्के में नहीं ले सकती, क्योंकि ये वायरस जानलेवा नहीं है, लेकिन जो चीज इसे खतरनाक बनाती है वो है इसका फैलाव। ये वायरस बहुत जल्दी फैलता है। इससे बचने के उपाय आपको एक्सपर्ट डॉक्टर्स ही बता सकते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी है बार बार हाथ धोना और खुद को कुछ समय के लिए दुनिया से दूर रखना। जितना हम जानते हैं उसके अनुसार ये किसी भी सरफेस पर 8 से 12 घंटे तक जिंदा रह सकता है, जिसकी वजह से ये बहुत से लोगों तक पहुंच पा रहा है। भारत में इसका प्रभाव अभी ज्यादा नहीं है। भारत से कुछ अच्छी खबरें भी आ रही हैं, जैसे कि बहुत से कोरोना प्रभावित मरीज अब ठीक हो रहे हैं। कुछ डॉक्टर्स ने मलेरिया, स्वाइन फ्लू और HIV की दवाओं से इसे ठीक करने में सफलता भी हासिल कर ली है। हालांकि ये सब अभी शुरुआती हैं और इस पर ज्यादा रिसर्च की जरूरत है, लेकिन कोई वायरस इतनी जल्दी दुनिया को खत्म नहीं कर सकता। जर्मनी की एक कंपनी के द्वारा 2020 के मध्य तक इस वायरस की वैक्सीन बनाने की बात कही गई है, पर हमें समझना होगा कि क्यों हम अपनी सीमाएं लांघ रहे हैं। जिस चीन से ये वायरस दुनिया में आतंक मचा रहा है, वहां पर कैसे लोग प्रकृति से खिलवाड़ कर रहे हैं ये सब जानते हैं। चिकन, मटन और फिश तक तो ठीक था, पर चीन के लोग फूड चेन में शायद ही कोई ऐसा जानवर होगा जिसे नहीं खाते हों। दोस्तों, हो सकता है कि आप भी नॉन वेजिटेरियन हो, पर सिर्फ एक बात समझ लें कि जिस तरह हमें दर्द का एहसास होता है, उसी तरह हर जानवर को दर्द महसूस होता है। हालांकि इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट में FSSAI चीफ GSG अयंगर ने कहा है कि ये वायरस चिकन, मटन और सी फूड से फैलता है, इसके अभी तक कोई पुख्ता प्रमाण नहीं है। अभी भी कुछ लोग दावा कर रहे हैं कि ये वायरस चीन ने बनाया है, या फिर इस पर रिसर्च के दौरान ये वायरस लोगों में फैलने लगा। लेकिन द लैंसेट की रिसर्च के अनुसार ये वायरस वाइल्ड लाइफ से दुनिया में आया है, किसी लैब से नहीं। वहीं चीन ये दावा कर चुका है कि इसे चीन की बढ़ती अर्थव्यवस्था को रोकने के लिए अमेरिका के द्वारा चीन में फैलाया गया। द वायर्ड की एक रिपोर्ट के अनुसार इससे पहले भी कोरोना वायरस के कुछ प्रकार प्रकृति से मानवों में आ चुके हैं। सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन के अनुसार इस वायरस में डेथ रेट 2% है, जो कि फ्लू से कुछ ज्यादा है। मार्केट वॉच की एक रिपोर्ट के अनुसार इन्फ्लुएंजा से हर साल कोरोना से ज्यादा मौतें होती हैं, लेकिन इन्फ्लुएंजा दुनिया में 2000 सालों से है और इसके लिए वैक्सीन्स भी अवेलेबल हैं, जबकि कोरोना अभी कुछ ही महीने पुराना है और इसकी वैक्सीन आने में कुछ महीने लग सकते हैं। WHO ने इसे पेंडेमिक यानी महामारी घोषित कर दिया है। कोरोना की वजह से देश और दुनिया रुक गए हैं और अर्थव्यवस्थाओं को भी बहुत बड़ा झटका लगा है, पर जिस तरह हमने अब तक बहुत सी बीमारियों पर विजय हासिल की है,
उसी तरह कोरोना पर भी विजय हासिल कर सकते हैं। एक बात जो हमें समझनी होगी वो ये है कि इंसान को प्रकृति में हस्तक्षेप करना बंद करना होगा। रहने के लिए फैक्ट्रीज लगाने के लिए और दूसरे बहुत से कामों के लिए जंगलों को काटना बंद करना होगा। साथ ही फसलों को जलाना और गाड़ियों से निकलने वाले धुएं पर भी नियंत्रण करना होगा। इसके साथ ही जो भोजन प्रकृति ने हमें दिया है सिर्फ उसे ही खाना होगा, ताकि जानवरों से इस तरह के वायरस इंसान के शरीर में प्रवेश ना करें। तो दोस्तों, जितना हो सके प्रकृति को बचाने में योगदान दें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हर किसी तक हमारा ये संदेश पहुंच पाए। धन्यवाद।